पाकिस्तान में हमास की भर्ती शुरू हो गई। इंडिया बड़ा बगैरत मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। भारत के पड़ोस में हमास का बेस कैंप। सलीम ने फरमाया था कि यहूदी नसारा कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहां पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है। हमास की जेब में पाकिस्तान का एटम बम। अपनी मर्जी से पाकिस्तान आर्मी अपनी वर्दी नहीं उतार सकता, ये एटम बम चलाएंगे। इजराइल ने हमास आतंकियों को जड़ से मिटाने की कसम क्या खा ली। हमास ने अपना हेडक्वार्टर ही चेंज कर लिया। जी हाँ, गाजा पट्टी में हमास आतंकियों की लाशें एक के बाद एक धड़ाधड़ गिर रही हैं, और जो बच रहे हैं उनके पास बचने का एक ही रास्ता है, और वो है आतंकियों का स्वर्ग पाकिस्तान। वरहमतुल्लाही वबरकातुह। यह है हमास आतंकी नाजी जहीर, जो पाकिस्तान में करीब दो हफ्ते से डेरा डाले बैठा है। हमास टेररिस्ट नाजी जहीर कभी पेशावर की रैली में स्पेशल गेस्ट की तरह शामिल होता है, तो कभी क्वेटा की रैली में चीफ गेस्ट बनकर आता है, और कभी पाकिस्तानी नेताओं से उनके ड्राइंग रूम में मुलाकात करता है। अकेला नाजी जहीर नहीं, अब तो उसका पूरा टोला पाकिस्तान का मेहमान बना हुआ है, और पाकिस्तान की संसद में इन आतंकियों का इस्तकबाल कुछ ऐसे हो रहा है। मिस्टर चेयरमैन, मैं इस मौके के ऊपर हमास को खिराजी तहसीन पेश करता हूं, और ये हमास के तर्जुमान है अबू अबेदा। मैं अबू अबेदा को खिराजी तहसीन पेश करता हूं, मैं हमास को सलाम पेश करता हूं। तीन काम किए हैं हमास ने गजा के लोगों ने। नंबर एक, इसराइल नाकाबिले शिकस्त है, इसको हवा में उड़ा दिया। नंबर दो ये कि जो आलम इस्लाम के हुक्मरान इसराइल को तस्लीम कर रहे थे, फलस्तीन को नेग्लेक्ट करके इस मंसूबे को मलियामेट कर दिया। और नंबर तीन काम यह किया कि उम्मत को उम्मीद दी, उम्मत को कुव्वत दी कि अपनी आजादी के लिए, हुर्रियत के लिए, अपनी जमीन के लिए जद्दोजहद की जाए। तो मैं अबू अबेदा को खिराज तहसीन पेश करता हूं, मिस्टर चेयरमैन। और आप देखें लॉज ऑफ वॉर किस तरह जंगी कैदियों के साथ सलूक किया, बैन-उल-अक़वामी कानून के मुताबिक, इस्लाम के कानून के मुताबिक। गाजा से 3,500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में हमास क्यों डेरा डाल रहा है? पाकिस्तान और गाजा के बीच के मुल्कों में हमास को भविष्य क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमास सरगनाओं को अच्छे से पता है कि गाजा पट्टी से वजूद मिट जाने के बाद उनकी अगली पौध पाकिस्तान से ही निकलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में नर्सरी पहले ही तैयार है, बस पौधों को खाद पानी देने का काम बाकी है। इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया, कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैरत मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। हुए, क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। इस गरीब बच्चे की बातें आपको भले ही चौंका दें, लेकिन पाकिस्तान में ये बेहद आम बात है। छोटे छोटे बच्चों को मजहबी नफरत में इस कदर डुबोया गया है कि गैर मुसलमानों को मार देना, काट देना इनके लिए एकदम सामान्य बात है। साइम क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? को तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। अच्छा आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इंडिया। नफरत की कोई वजह होगी ना कि मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारिस में जो बताते हैं हमें। जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं। जो काम मदरसे नहीं कर पाते वो काम पाकिस्तान का माहौल कर देता है, वो माहौल
जहां हिंदुओं और यहूदियों को मुसलमानों की हर समस्या के जड़ के तौर पर दिखाया जाता है, जैसे ये गरीब बच्चा जो घर चलाने के लिए अभी से काम करता है, इसे भी यही सिखाया गया है कि इसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, हिंदुस्तान है। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती? इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। क्या बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इमरान खान के साथ रलकर महंगाई कर दी। इमरान खान के साथ मिलके इंडिया ने महंगाई कर दी? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। पाकिस्तान और उसका खास दोस्त तुर्की दोनों मिलकर हमास इजराइल की लड़ाई को ग्लोबल जिहाद की शक्ल देने की कोशिश में है और हमास इसका पूरा फायदा उठा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने हाल ही में पश्चिमी देशों को धर्म युद्ध की धमकी दी है, तो पाकिस्तान भी गाजा मसले को मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की जंग बता रहा है। और हमास के पूर्व सरगना खालिद मिशाल ने केरल में अपने वर्चुअल स्पीच में हिंदुत्व को ही टारगेट कर लिया। अब केराला इंडिया में स्पीच कर रहे हो तुम, तुम्हारा हिंदुओं से क्या मसला है भाई? क्या कभी किसी हिंदू ने फलस्तीनी को मारा है, किसी अरब को मारा है? तुम वहां पे हिंदुत्व और उसके ऊपर आ रहे हो? हमास टेररिस्ट है, हिजबुल्ला टेररिस्ट और मास्टर्स हैं तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कतर। ये क्रूसेड करके क्रिश्चियनों को एक तरफ, हिंदुत्व करके हिंदुओं को एक तरफ, यहूदियों से तो ऑलरेडी डायरेक्ट लड़ रहे हैं। हमास की पूरी कोशिश है कि जंग को बढ़ा दिया जाए ताकि मुसलमान मुल्क इन्वॉल्व हों। इसका मतलब ये मुसलमान एंड नॉन मुस्लिम जंगों की बात कर रहा है ना, तो इसके लिए तैयार हैं ये लोग। तुर्की और पाकिस्तान, इनकी इकोनॉमी की क्या हालत है? इनकी तो इकोनॉमी ही नहीं है कि ये चार दिन अपने कुछ टेररिस्टों से लड़ पड़े। गैर मुसलमानों के लिए नफरत के आधार पर बने मुल्क पाकिस्तान में वो सब कुछ पहले से तैयार है जो ढूंढते हुए हमास यहां तक पहुंचा है। यहूदियों का खात्मा, हिंदुओं का खात्मा, ईसाइयों का खात्मा, दुनिया पर इस्लाम का राज, इस्लामिक उम्मा, ग्लोबल शरिया कानून, ये सब नारे पाकिस्तान में पहले से ही गूंज रहे थे। इसराइल पर हमले के बाद से इनका शोर और भी तेज हो गया है। ये कलमे की बुनियाद पे ये मुल्क बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये मुल्क बना है। लेकिन अगर कलमे की बुनियाद पे बना है तो क्या सिर्फ इस्लामी लोगों से ही हमारे ताल्लुकात होने चाहिए? हाँ जी, जब तक ये इस्लामी कानून नाफज नहीं ना होगा, हदूदुल्लाह नाफज नहीं होगा, इस्लामी कानून नाफज नहीं होगा, उस वक्त तक इस मुल्क के हालात नहीं ठीक हो सकते। जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें। क्या आप एग्री करते हो इनकी बातों? जी बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, जैसे भी कहना ठीक है। मजहबी लोगों के साथ लेन देन, कारोबार या कुछ भी नहीं करना चाहिए? सलीम ने फरमाया था कि यहूदी नसारा कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। क्या लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मर्ज करना चाहिए या अलग अलग ही ठीक? जो उधर के मुसलमान हो उसके लिए बेहतर है, लेकिन हिंदू के लिए हम नहीं। पाकिस्तान गाजा के नाम पर जिहाद करना चाहता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट करना चाहता है, लेकिन अपने ही मुल्क में बलोच लोगों पर हो रहे जुल्मों पर खामोशी ओढ़ लेता है। आजादी मांगने वाले बलोच नेताओं को मार दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। विदेशों में भी ISI बलोच नेताओं की हत्या करवा देती है। बलूचिस्तान की निर्वासित PM भारत से मदद मांग चुकी है। इसी साल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी बलूचिस्तान का मुद्दा उठा। UNHRC में 2023 में ही बलूचिस्तान के 56 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट भी सौंपी गई है। मैंने कहा अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं बलूचिस्तान के हवाले से कुछ बोल। आज गजा के बारे में ये जो रेजोल्यूशन सेशन है, हालत गजा की है वही बलूचिस्तान की है। अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में भी वही कुछ हो रहा है। आपको थोड़ी देर बात कर देता हूं। मैं आपको अगर आप बलूचिस्तान के हवाले से सुनना पसंद फरमाएंगे तो मैं कुछ बोलूंगी, अगर नहीं पसंद फरमाएंगे तो मैंने कुछ नहीं कहना है। खामोश भी देता हूं इस पे, आपके टर्न पे आके आपको दे दूंगा। इसी तरह का मामला है जैसे कि गजा फलस्तीन का मामला है, वहां पे भी मुसलमानों को, जो बेगुनाह शहरी हैं उनको मारा जा रहा है, बेगुनाह बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। बलूचिस्तान का भी यही हाल है। सिर्फ बलोच नहीं,
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जिंदगी भी जहन्नुम बना दी गई है। बचे खुचे हिंदू मंदिरों पर आए दिन हमले होते हैं, तोड़फोड़ होती है, देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान होता है। यही सलूक अहमदिया मस्जिदों के साथ भी होता है। हमारा मुल्क है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मुल्क है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हाउएवर इस्लाम पाकिस्तान में जो हरकत होती हैं वो जो भी जो हैं जिसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है वो बेसिकली इस्लाम की ना फॉलोइंग है ना टीचिंग है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का निज़ाम इस्लामी नहीं है। एक दफ़ा निज़ाम इस्लामी हो गया हमारा और मजहबी हो गया, वाकई हो गया, जो कि असल रूह से होता है, तो फिर ये मामले खत्म हो जाएंगे। ना मस्जिदें जलेंगी, ना इमाम बारगाहें जलेंगी, ना ही मंदिर जलेंगे, ना ही माइनॉरिटीज को किसी तरीके से इनसिक्योरिटी होगी। ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में ये वाकयात होते हैं और मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन आपको पता ही है ये जो हिंदू और जो दूसरी ताकतें हैं गैर मुस्लिम है वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ये कुरान मजीद का हमें हुक्म है बकायदा कि इनसे आप खबरदार रहें, ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। अगर हम इस काबिल हों और वैसे तो हमारा मुल्क जो है वो अल्लाह के फजलो करम से न्यूक्लियर पावर भी है और कर भी सकता है। हम जरा दूसरों को मुसलमान बनाना चाहते हैं, खुद मुसलमान नहीं बनना चाहते। तो इस्लाम में भी यही है, मुसलमानों में भी यही है, यूनिटी नहीं है बिल्कुल। अपने गिरेबान में झांकने और अपनी मुश्किलें सुलझाने की बजाय पाकिस्तान की ज्यादा दिलचस्पी गाजा में है, मुस्लिम ब्रदरहुड में है, हमास में है और आतंकियों को हीरो बनाने में है। तुर्की और कतर जैसे देश इस जिहादी सनक में उसके साथ खड़े हैं और दुनिया में मुसलमान बनाम गैर मुसलमानों की जंग के नारे लगाए जा रहे हैं।